ईशान के बर्थडे पर सारा ड्रामा देखकर क्या सभी लेगी अब बड़ा फैसला, क्या सभी उठाएगी सबका बोझ। वेल दोस्तों, स्टार प्लस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप देखेंगे कैसे ईशान अपनी माँ ईशा की बेइज्जती करने वाला है, जिसके बाद कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन वहीं सभी से कहा जा रहा है कि सभी जो है वो सबको एक्सपोज करेगी और माँ बेटे का महामिलन करवाएगी। वहीं पर बात करें शांतनु की, तो शांतनु भी बहुत बड़े बड़े गेम खेलने वाला है, क्योंकि शांतनु सभी का सपोर्ट करते हुए माँ बेटे के महामिलन को करवाने के लिए बहुत एक्साइटेड होने वाला है। तो चलिए बताते हैं और क्या क्या होगा सीरियल के आने वाले ट्रैक में। अब जैसा कि आपने देखा था, ईशान अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा था, जहां सबके सब बहुत खुश थे। वहीं सुरेखा यशवंत को लग रहा था कि ईशान हमारे ही अंडर में है, हम जो बोलेंगे वो वही करेगा, और ईशान ऐसा करता भी है। आपने अक्सर देखा है ईशान वही करता है जो उसकी सुरेखा ताई कहती है, और सुरेखा तो इतनी ज्यादा नालायक है कि वो यही चाहती है कि ईशा और ईशान दूर रहें। अगर ये माँ बेटा दूर रहेंगे तभी हम खुश रह पाएंगे। वहीं जहां आज के एपिसोड में ईशा और सभी दोनों साथ में आए, तो ये देखकर सुरेखा यशवंत के कान में कहने लगती है कि देखो फिर से आ गई, अब हमारी मुसीबत बढ़ाएगी, क्योंकि सुरेखा यशवंत को डर है कि कहीं ईशा उन सबकी पोल पट्टी सबके सामने ना खोल दे। वहीं पर आपको सीरियल में बहुत सारे ट्विस्ट और भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ईशा की, तो ईशा जो है वो बहुत परेशान होने वाली है, क्योंकि ईशान सबके सामने ईशा के इंसल्ट करेगा और ये इंसल्ट ईशा से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ईशा जो है वो बेचारी अपने बेटे को विश करने आई थी। आप देख सकते हैं कि शांतनु जो है वो सभी और ईशा के पास जाता है, जहां पर सभी ईशा दोनों साइड में खड़े होते हैं। शांतनु कहता है प्लीज ईशा तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हारे बेटे को बर्थडे विश करना चाहिए, मैं कह रहा हूं प्लीज मेरी बात मान लो। वहीं पर सभी जो है वो भी ईशा से कहती है हां मैम आपको जाना चाहिए, बहुत दिनों बाद आप अपने बेटे के बर्थडे पर मौजूद हैं, ऐसे में आपको जाना चाहिए। सुरेखा जैसे ईशा को देखती है तो उसके छक्के छूट जाते हैं। उससे पहले शांतनु जो है ईशान को वो नोट पढ़वाता है जो कि ईशा ने लिखा है। वो नोट पूरा डिस्प्ले पे प्ले किया जाता है और ईशान जो है पढ़ के पहले ही गुस्सा हो जाता है, और जैसे ही वो सभी और ईशा को देखता है और भड़क जाता है। ईशा लेकर आई होती है ईशान के लिए केक, और ये सीन देख कर ईशान खुश होने की बजाय हो जाता है गुस्सा। जहाँ शांतनु तो खुश होता है, लेकिन सुरेखा यशवंत दोनों भड़के हुए हैं। वही बात करें सभी की आंखों में आंसू आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह ईशान ईशा के इंसल्ट करे ये चीज सभी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी मैम की कोई इंसल्ट करे ये वो बिल्कुल नहीं चाहती है। अब सीरियल के आने वाले ट्रैक में और भी बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे, आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।